हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ऐसी बिल्कुल मेरी जैसे फेस स्मूथ करना है और फेस वाइट करना है और बैकग्राउंड पे कैसे चमक दिया जाता है एंड कपड़ा पे कैसे कलर किया जाता है, तो आपको भी बिल्कुल इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करना है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहे, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप कभी नहीं सीख पाओगे, और है ना, आप फुल स्क्रीन में वीडियो को कर लो, तभी आपको समझ में आएगी। फुल स्क्रीन में कर लो, हम लोग चलते वीडियो की ओर, लेट्स गो। तो सो फ्रेंड्स, इस फोटो को हम लोग साफ करने के लिए रिमनी ऐप का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, बस 20 सेकंड का खेल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इनहेंस पे क्लिक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। इनहेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आएगा, ठीक है। ऐड को 30 सेकंड तक रहने देना और फिर स्किप कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐड खत्म होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, कितना ऑसम पिक हो गया ना हमारा, कितना ख़राब फोटो था और एकदम में कितना अच्छा बन गया। और हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद भी एक ऐड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐड को आप फुल वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक ऐड हो गया, इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऐड को आपको फुल्ली देखना, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग सेव कर लेंगे अपने गैलरी में। सेव करने के बाद फ्रेंड्स, हमको इसको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करना, इस फोटो को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ट्यून इमेज पे क्लिक करना, ठीक है फ्रेंड्स। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्यून इमेज पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, और एम्बुलेंस को ना फ्रेंड्स हल्का सा इंक्रीज कर दीजिएगा, अपने और शैडो को भी हल्का सा इंक्रीज कर लीजिएगा अपने फेस के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद हम लोग डन कर लेंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टिव टूल्स लेंगे और यहाँ पे सिलेक्टिव सॉरी टूल्स पे जाएंगे, सिलेक्टिव लेंगे और अपने फेस पे जहाँ जहाँ भी आपको काला लगे ना फ्रेंड्स, वहाँ वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा कुछ स्टेप से। जैसे मेरे को यहाँ पे काला लग रहा है, तो मैं ऐसे स्टेप से आपको अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे भी काला लग रहा है, तो इसको मैं हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा। जहाँ भी आपको काला लगे वहाँ पे आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा, और इसको सिंपली हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फ्रेंड्स, हम इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको भी लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लिया हूँ, तो आपको यहाँ पे एक प्रीसेट देखने को मिलेगा, लाइटरूम प्रीसेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग डाउनलोड करोगे ना तो हो जाएगा। थ्री डॉट पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग कर लेना है। सिंपली इस पे कॉपी सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डन कर देना है। डन करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इस पे वहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे, इस पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग पेस्ट है ना कर दीजिएगा कुछ स्टेप से। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो फ्रेंड्स। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग इस फोटो को सेव कर लेते हैं अपने गैलरी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, इस फोटो को आप पिकसेट एप्लीकेशन में आपको शेयर कर देना है सिंपली, ठीक है फ्रेंड्स। पिकसेट एप्लीकेशन में मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही सेव कर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पिकसेट एप्लीकेशन में आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग बस कलर पे एक बार टैप कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको इस पर टैप कर देना है, ठीक है। इस पर टैप करने के बाद फ्रेंड्स, इसको है ना फ्रेंड्स, इसको अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई करना, तो आपको बैकग्राउंड पे जाकर छोड़ देना, और इस तरह से आप अपना जो भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हो रख सकते हो, सिंपली कुछ स्टेप से। तो मेरे को ये रखना है, तो मैं इसको डन कर दूंगा सिंपली, ठीक है। डन करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग फिर जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। इफेक्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इस टाइप से इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ पे आर्टिस्ट पे आपको जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आर्टिस्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड्स फटा क्या है, फटाल वन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद हम लोग ऊपर में इरेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग है ना उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और जहाँ भी आपको फेस पे है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड पे सिंपली अप्लाई करना है मेरे को फेस पे ना, तो आपको फेस पे से कुछ स्टेप से आपको इरेजर कर देना, अपने फेस पे से हटा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं भी इसको हटा लेता हूँ अपने फेस पे से, सिर्फ बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है मेरे को। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गया, इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग फिर अगेन इफेक्ट पे जाएंगे, इसको पहले हम डन कर देते हैं, और फिर हम लोग अगेन इफेक्ट पे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यह है ना, आप टू लेना, ठीक है। फटल वन लिए थे, आप फटल टू लेना, इस पर क्लिक कर देंगे, और एक बार इसी पे टैप करेंगे, ठीक है फ्रेंड।
इस पर टैप करने के बाद आपको मल्टीपल रखना है और वहाँ पे इरेजर पे जाने के बाद वही प्रोसेस करेंगे, अपने फेस पर से इरेजर कर देंगे, बाकी बात बैकग्राउंड पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। सिंपली आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही अपने फेस पर से इरेजर कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। बस हमको बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है ताकि अच्छा बन जाए हमारा बैकग्राउंड, देखने में कुछ अच्छा ही लगे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद हम लोग इसको डन कर देते हैं, सेव कर लेते हैं अब अपने फ़ोन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल ड्रो टूल से आप लोग सेव कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पिक्चर नहीं हटता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, आप लोग बस वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड्स इस फोटो को फोटो रूम एप्लीकेशन में ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बस 20 सेकंड का काम है, ठीक है। इसको बस बैकग्राउंड है ना, इसको ब्लर करना है, तो इस टाइप से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद हम लोग ब्लर पे क्लिक कर देंगे, बस 20 सेकंड का काम है, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, बैकग्राउंड पे क्लिक करने पहले ब्लर पे क्लिक किया था अब बैकग्राउंड पे, और फिर से आपको अगेन ब्लर पे क्लिक कर देना है, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो भी ब्लर पसंद है ना फ्रेंड्स आप रख सकते हो, तो मैं यही रखूँगा। तो आपको जितना भी ब्लर रखना है आप रख सकते हो अपने फ़ोटो के हिसाब से। इतना करने के बाद सिंपली हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं अपने गैलरी में। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही सेव कर लीजिएगा और वीडियो छोड़कर मत जाओ, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो सो फ्रेंड्स इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फोटो रूम का लोगो आ गया। तो इसको कैसे मिटाए, तो कुछ नहीं, बस 20 सेकंड का यहाँ भी काम है, पिकसार्ट में ऐड करना और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना और ब्लर से पहले वाले फ़ोटो लेना, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये आप ब्लर से पहले वाले फ़ोटो, तो इसको ऐड करेंगे सिंपली और कुछ इस टाइप से इसी साइज में हम लोग बड़ा कर लेंगे और इरेजर पर जाएंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इन्वर्ट पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली कुछ इस टाइप से। इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग फोटो रूम का लोगो हम हटा देंगे। तो सो फ्रेंड्स कितना आसान था ना लोगो हटाना। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसको स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो में बने रहे। स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अपने कपड़े पर हम लोग थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ठीक है। एक लेयर बनाना और लेयर पे एक बार क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड है ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मल्टीपल रख लेना है, ठीक है। सिंपली मल्टीपल रखने के बाद हम लोग फ्रेंड्स इस वाले कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी कलर रखना है रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड रख लेता हूँ और यहाँ पे आपको पेंसिल वाले आइकन पे जाना और यही आपको पेंसिल लेना है, ठीक है। सिंपली कुछ इस टाइप से। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग अपने साइज को थोड़ा हल्का सा बढ़ा लेंगे। कुछ इस टाइप से बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टी शर्ट पर या शर्ट पे अप्लाई कर लेंगे कुछ इस टाइप से। तो सो फ्रेंड्स आप लोग भी बिल्कुल बारीकी से आप लोग अच्छा से कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग अच्छा से देखते हो ना फोटो, बस देख रहे हो कितना ऐप में बस दो दो मिनट का काम रहता है। ऐप तो यूज करता हूँ बहुत, बट दो दो मिनट का काम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमारा टी शर्ट कलर हो गया, तो कुछ इस टाइप से हमारा टी शर्ट कलर हो गया। तो आपको क्या करना है, इस पर लेयर पे क्लिक करना और है ना फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर देना, इसी शर्ट वाले पे। तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे मर्ज ऑल कर देना। मर्ज ऑल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे और यहीं से खेल होता है अब शुरू। यहाँ से आप लोग अच्छा से देखिएगा, यहीं पे हम लोग फेस स्मूथ करेंगे अपना, कितना हम लोग कितना अच्छा धांसू से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये सेटिंग रखना है, ठीक है, और साइज अपने हिसाब से रख लेना और है ना फ्रेंड्स अपने फेस को जूम करके आपको अप्लाई कर देना। आप लोग बस देखिए, ठीक है, छोड़ कर मत जाओ। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा से बवाल तरीका से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। बस आप लोग बस दो मिनट का वेट करिए, आपको सारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कितना अच्छा से हमारा फेस स्मूथ होता है। वीडियो बनाने का मकसद बस यही रहता है फेस स्मूथ करना, ठीक है। अरे एडिट तो सब कर लेते हैं बट स्मूथ कोई नहीं कर पाता, ठीक है फ्रेंड्स। और स्मूथ से ही हमारा फोटो कुछ अच्छा बनकर रेडी आता है, रेडी होकर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग है ना, आप बस बारीकी से आप लोग अपना फेस स्मूथ कीजिएगा, इतना जल्दी में मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कम से कम मेरे को 30 मिनट लगता है फेस स्मूथ करने में, तो बस आपको टाइम देना, ठीक है। और रिजल्ट अपने आप देखने को मिलेगा आपको बहुत धांसू वाला। तो आपको कुछ इस टाइप से अप्लाई कर देना जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो कितना अच्छा से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो आपको यहीं पे भी क्लिक कर देना और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक लेयर बना लेंगे और है ना फ्रेंड्स आप लोग फेस को हम लोग थोड़ा सा वाइट करेंगे। सिंपली एक लेयर बनाने के बाद हम लोग ब्लेंडिंग मोड इसका सॉफ्ट लाइट रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे सॉफ्ट लाइट रख लेते हैं, ठीक है।
सॉफ्ट लाइट रखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कलर पे जाएंगे, सॉरी पेंसिल वाले आइकन पे जाना, और वो जो किया था ना शर्ट कलर वही बस लेना है पेंसिल, और यहाँ पे आपको कलर पे जाना, और यहाँ पे आपको व्हाइट कर लेना और अपने फेस पे बस अप्लाई कर देना, बस अपने फेस पे ही अप्लाई करना। यहाँ पे हल्का हल्का सा हमारा फेस व्हाइट हो जाएगा और इसको हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बस वीडियो में बने रहे, मैं सारा सेटिंग बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, एकदम बवाल तरीका से मैं एडिटिंग कर सिखाऊंगा आप लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम लोग एक लेयर पे क्लिक करेंगे और इसका आप जितना भी रखोगे व्हाइट आप रख सकते हो सिंपली, तो मैं कुछ इस टाइप से इतना व्हाइट रख लूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक PNG ऐड करेंगे लाइटिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऐड वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये वाली PNG, ठीक है, इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सिंपली डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग एक बार लेयर पे क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्किन कर देना है सिंपली। ठीक है, स्किन करने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ना ट्रांसफर होगा, एक ऐसी होगा ट्रांसफर पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और आपको जहाँ भी आप लगाना चाहते हो ना फ्रेंड्स वहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं एक PNG नहीं लगाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नाम तो सुना ही होगा, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को